हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ वेज फ्राइड राइस या चाइनीज़ फ्राइड राइस। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, हार्डली 5 मिनट लगेंगे इसे बनाने में, और इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत लाइक करते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है, तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक पैन गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर गार्लिक। इसे हम ब्राउन होने तक भून लेंगे हाई फ्लेम पर। ये देखिए हमारा जिंजर गार्लिक ब्राउन हो रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का ऑनियन चॉप किया हुआ। इन सभी चीज़ों को हमें हाई फ्लेम पे भूनना है। इसे हम स्ट्रीट स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए हमें हाई फ्लेम पर, जैसे वे बनाते हैं, हमें हाई फ्लेम पर सभी चीज़ों को फ्राई करते रहना है। बीच बीच में हम टॉस भी कर सकते हैं। एक मिनट के लिए हम ऑनियन को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे चॉप किया हुआ कैप्सिकम। 1 कैप्सिकम चॉप किया हुआ है, इसे भी हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे और डाल देंगे इसमें चॉप किया हुआ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है फ्रेंच बीन्स और कैरेट। 1 कटोरी वेजिटेबल्स हैं, इसे भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे और बीच बीच में इसे टॉस कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स भूनते हुए 1 मिनट के करीब हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें चॉप किया हुआ कैबेज, ये भी मैंने 1 कटोरी लिया है। इसे भी हम हाई फ्लेम पर इसी तरह फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक, अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल देना है और इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस। मैंने यहाँ टोमेटो चिली सॉस यूज़ किया है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस। चीज़ों को भी अच्छे से मिला लेना है हाई फ्लेम पर। कुछ सेकंड के लिए इसी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा वेजिटेबल्स हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुक्ड राइस। ये राइस मैंने पहले से कुक करके रखा है और ये मैंने 90% कुक किया है। इस तरह का राइस यूज़ करने से हमारा फ्राइड राइस खिला खिला बनेगा। मैंने यहाँ बासमती चावल यूज़ किया है, और चावल अगर लॉन्ग ग्रेन वाले होंगे तो हमारा फ्राइड राइस बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब हमें राइस को अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है और देखने में भी बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। बीच बीच में हमें राइस को इस तरह से टॉस कर लेना है, इस तरह से राइस खिले खिले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। ये देखिए हमारा फ्राइड राइस कितना ब्यूटीफुल और यमी दिख रहा है। ये हमारा फ्राइड राइस
रेडी हो चुका है। आइए अब हम इसे डिश में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म वेज फ्राइड राइस रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। इसे सभी बहुत लाइक करेंगे, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इसे गार्निश कर सकते हैं चॉप किया हुआ धनिया पत्ता या चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन से भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा बहुत ही इजी वेज फ्राइड राइस। मेरी ये सिंपल रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।